अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और काबिले सताइश वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुल्लुश उस्मान में उस्मान का किरदार अदा करने वाले इस हुबरू अदाकार की खूबसूरत बीवी के बारे में कि कैसे उन्होंने खूबसूरती में हलीमा सुल्तान, बाला हातून, मलहून हातून, कौसम सुल्तान, हर एक अदाकारा को पीछे छोड़ दिया। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि उस्मान का किरदार अदा करने वाले इस हुबरू अदाकार की बीवी असल ज़िंदगी में कौन है और क्या करती हैं। ये सब आप जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामईन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कुल्लुश उस्मान का किरदार अदा करने वाले सदाकार का नाम बुराक ओज़ेविद है और इनकी लव मैरिज हुई है। जी हाँ, इनकी बीवी का नाम फहरिये अफसिन है। फहरिये अफसिन 24 दिसंबर 1984 में इस्तांबुल में तुर्की के शहर में पैदा हुई। इनकी उम्र अभी 36 साल है। फहरिये अफसिन असल ज़िंदगी में खूबसूरत मॉडल और अदाकारा हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा टीवी शोज और ड्रामास में एक्टिंग भी की है। राक ओसविद से इनकी शादी 2017 में हुई और अब इनका एक बेटा भी है जिसका नाम करण ओसविद है। जी हाँ, अब आपको फहरिये ओज़ेविद के बारे में बताते चलें कि वो बहुत ही ज़्यादा नामवर अदाकारा हैं और उनको अपनी एक्टिंग की वजह से काफ़ी सराहा गया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। फहरिये ओज़ेविद ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही शहर में हासिल की और उसके बाद उन्होंने मरमरा यूनिवर्सिटी से एक्टिंग और थिएटर में डिग्री हासिल की। राक ओज़ेविद से उनकी मुलाकात एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान सेट पर हुई, जिसके बाद इन दोनों में मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया और करते करते ये बात आगे बढ़ी और बिलाआखिर इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और ये अब दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। फहरिये ओज़ेविद बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं और वेस्टर्न लवर हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें स्विमिंग, साइकिलिंग का बहुत ज्यादा शौक भी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनका कपल कैसा लगा। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आखिर में एक दफ़ा दोबारा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर नए तुर्की अदाकार के बारे में आप जान सकें। शुक्रिया।